हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ह्यूंडई एलीट i20 एक्टिव। तो ये 2016 वेरिएंट है। तो कुछ ऐसी की देखने को मिलती थी इसमें, और सामने देख सकते हैं हेडलाइट की कुछ ऐसी कंडीशन है। इसमें फोक जम जाता है। अब देख लो, इसको कम से कम भी 5-6-7 साल हो गए, 7-8 साल हो जाएंगे। तो फ्रंट से कुछ ऐसी लुक है। अगर आप इसको सेकेंड हैंड मार्केट में लेना चाहते हैं तो आप इस गाड़ी की तरफ ज़रूर से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्डिनरी i20 से ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा देखने को मिलता था। तो साइड प्रोफाइल ऐसा है कार का, ठीक है। इसमें अलॉय व्हील देखने को मिलते थे। टायर साइज़ की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलता है R16 16 इंच टायर है, तो काफ़ी सही चीज़ थी ये उस साल के हिसाब से भी, ठीक है। रियर प्रोफाइल कुछ ऐसा है गाड़ी का। और बूट की बात करें तो बूट यहाँ से सिर्फ अनलॉक होता है, कुछ ऐसा बूट स्पेस था इस गाड़ी में, ठीक है। और इंजन की बात करें तो ये वाली पर्टिकुलर है डीजल इंजन। इसमें 1.4 लीटर का CRDI ह्यूंडई का डीजल इंजन आता था, जो कि बहुत पैपी है चलाने में आज की डेट में भी, ठीक है। और गाड़ी के अंदर से दिखाता हूँ। इस गाड़ी में आपको लगभग सारे फीचर मिल जाते थे। रूफ रेल यहाँ पे ORVM पे भी इसके मिल जाता था आपको, जो ब्लिंकर इंडिकेटर है इसके, ठीक है। तो इंटीरियर की गाड़ी की बात करते हैं ना हम, तो कुछ ऐसा इसमें ऑल ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलता था आपको। यहाँ पे भी ऑल ब्लैक, बस यहाँ पे इंसर्ट्स आपको मिल जाते थे टैन कलर के, ठीक है। अब गाड़ी को ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये गाड़ी चल चुकी है 1,09,075 किलोमीटर, ठीक है। और लुक चेक करो आप गाड़ी की, इसमें ऑल ब्लैक इंटीरियर है ये। मुझे इसके डायल्स पर्सनली बहुत पसंद थे, बहुत नीट एंड क्लीन डिज़ाइन है इसके डायल्स का। और सारे जो भी आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल थे इसमें यहाँ देखने को मिलते थे, और यहाँ पे आपको विंडो के कंट्रोल देखने को मिल जाते थे। डिसेंट साइज इसका आपको बोतल होल्डर भी देखने को मिलता था। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता था फ़ोन रखने का, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। और इसमें मिल जाते थे आपको 4 स्पीकर, 2 ट्विटर। इसका ऑडियो आउटपुट भी डिसेंट है, ठीक है। और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे वैनिटी मिरर। और सीट्स की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं इस गाड़ी की। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, लेकिन ये एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स आपको देखने को मिलता था। कुछ ऐसा इसका 6-स्पीड मैनुअल गेयर बॉक्स है, ठीक है। और ड्राइविंग पोजीशन गाड़ी की काफ़ी कंफर्टेबल है। सीट की जो कुशनिंग है वो भी बहुत अच्छी आपको फील होगी। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स हैं, और इसमें फोग लैंप के यहाँ पे आपको स्विच देखने को मिल जाते हैं। और इसमें गाड़ी की एवरेज भी शो कर देता है यहाँ से, अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो, ठीक है। ट्रिप ए बी एवरेज स्पीड यहाँ पे गाड़ी की शो हो जाती है। और एसी इसमें आपको मैनुअल ही देखने को मिलता था। रियर डिफोगर का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो पीछे से और मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी में क्या कुछ देखने को मिलता था। तो पीछे से कुछ ऐसे है, इसमें आपको फिक्स हेडरेस्ट देखने को मिलते थे। पीछे भी ऑल ब्लैक आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर देखने को मिल जाते थे। और स्पेस गाड़ी में काफ़ी सही है। पीछे की सीट्स भी यहाँ से आप देख सकते हैं, थोड़ी स्कूप्ड है, जिससे कम्फर्ट गाड़ी का बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पर AC वेंट भी देखने को मिलते हैं आपको। और मेन जो है ना इस गाड़ी का, वो है इसका डीजल इंजन, ठीक है। तो जो आपको फ्यूल इकोनॉमी भी बहुत अच्छी प्रोवाइड कर देता है। तो ये गाड़ी आज के टाइम के हिसाब से भी अगर आप लेनी प्रेफर कर रहे हो ना सेकंड हैंड में, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसकी रनिंग कॉस्ट भी काफ़ी कम है, सर्विस कॉस्ट भी आपको काफ़ी कम मिलेगी। तो मैं 1,00,000 चलने के बाद इस गाड़ी की आपको इंटीरियर में नॉइज दिखाता हूँ कैसी है। हालांकि थोड़ी सी वाइब्रेशन मुझे ज़्यादा लग रही है इस गाड़ी की 1,00,000 चलने के बाद, लेकिन इंजन आज भी वैसा ही पैपी है। और इसमें अभी तक कोई भी क्लच प्लेट का काम नहीं हुआ है, सिर्फ गाड़ी की ऑर्डिनरी सर्विस। तो आप इस गाड़ी को अगर सोच रहे हो ना कि मिल रही आपको अच्छी कंडीशन में चली हुई है गाड़ी, 1,00,000 तक भी आप इसको आराम से ले सकते हो, क्योंकि बहुत ही प्यारी गाड़ी है ये। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसमें पूरा है। ऑर्डिनरी
i20 की बात करें उसमें थोड़ा सा कम रहता है ग्राउंड क्लियरेंस, तो नीचे से कहीं ना कहीं वो टच हो जाती है, इसमें वो चीज़ काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये देखो उस साल के हिसाब से भी इसमें आपको सारी चीज़ देखने को मिल जाती थी, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो भी गाड़ी में आपको चाहिए वो सारा देखने को मिलता है, और इवन इसमें आपको यहाँ पे कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी डील है ये गाड़ी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़, बाय।